पहली बार हीरोइन बनी हूँ तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई, ये दे रहा है दुरुस्त है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हो रही है तो ये सेंसर बोर्ड जो है उसमें टांग क्यों अड़ा रहा है मेरी फिल्म को रिलीज करने में, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है, डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतर कर इतना इतराती है ना तू, उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू, क्या है इसमें, मुझे आप मुझे बताएं क्या वल्गैरिटी है, आपको कहीं से भी वल्गैरिटी लगी फिल्म इंडस्ट्री में? इतनी फिल्में बनी है, मैं आपको 500 फिल्में दिखा दूं, इतने वाहियात डायलॉग्स है, इतने गंदे गंदे डायलॉग्स है कि फैमिली बैठ कर फिल्म नहीं देख सकती, इतने गंदे गंदे इशारे हैं, ऐसे 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 गंदे गंदे इशारे हैं फिल्मों में, ठोक दूंगा, कर दूंगा, डाल दूंगा, मेरा तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस। सेंसर बोर्ड क्यों टांग अड़ाई मुझे समझ में नहीं आई, पहले आप यूए सर्टिफिकेट देते हैं इसी डायलॉग को और बाद में आप ए सर्टिफिकेट देते हैं, ये दोगला चेहरा क्यों सेंसर बोर्ड का? पहली बार हीरोइन बनी हूं तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई, ये दे रहा है दुरुस्त है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हो रही है तो ये सेंसर बोर्ड जो है उसमें टांग क्यों अड़ा रहा है मेरी फिल्म को रिलीज करने में, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है, डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतर कर इतना इतराती है ना तू, उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू, क्या है इसमें, मुझे आप मुझे बताएं क्या वल्गैरिटी है, आपको कहीं से भी वल्गैरिटी लगी फिल्म इंडस्ट्री में? इतनी फिल्में बनी है, मैं आपको 500 फिल्में दिखा दूं, इतने वाहियात डायलॉग्स है, इतने गंदे गंदे डायलॉग्स है कि फैमिली बैठ कर फिल्म नहीं देख सकती, इतने गंदे गंदे इशारे हैं, ऐसे 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 गंदे गंदे इशारे हैं फिल्मों में, ठोक दूंगा, कर दूंगा, डाल दूंगा, मेरा तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस। सेंसर बोर्ड क्यों टांग अड़ाई मुझे समझ में नहीं आई, पहले आप यूए सर्टिफिकेट देते हैं इसी डायलॉग को और बाद में आप ए सर्टिफिकेट देते हैं, ये दोगला चेहरा क्यों सेंसर बोर्ड का? पहली बार हीरोइन बनी हूं तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई, ये दे रहा है दुरुस्त है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हो रही है तो ये सेंसर बोर्ड जो है उसमें टांग क्यों अड़ा रहा है मेरी फिल्म को रिलीज करने में, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है, डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतर कर इतना इतराती है ना तू, उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू, क्या है इसमें, मुझे आप मुझे बताएं क्या वल्गैरिटी है, आपको कहीं से भी वल्गैरिटी लगी फिल्म इंडस्ट्री में? इतनी फिल्में बनी है, मैं आपको 500 फिल्में दिखा दूं, इतने वाहियात डायलॉग्स है, इतने गंदे गंदे डायलॉग्स है कि फैमिली बैठ कर फिल्म नहीं देख सकती, इतने गंदे गंदे इशारे हैं, ऐसे 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 गंदे गंदे इशारे हैं फिल्मों में, ठोक दूंगा, कर दूंगा, डाल दूंगा, मेरा तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस। सेंसर बोर्ड क्यों टांग अड़ाई मुझे समझ में नहीं आई, पहले आप यूए सर्टिफिकेट देते हैं इसी डायलॉग को और बाद में आप ए सर्टिफिकेट देते हैं, ये दोगला चेहरा क्यों सेंसर बोर्ड का? पहली बार हीरोइन बनी हूं तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई, ये दे रहा है दुरुस्त है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हो रही है तो ये सेंसर
बोर्ड जो है उसमें टांग क्यों उड़ा रहा है मेरे फिल्म को रिलीज करने में, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है, डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतर कर इतना इतराती है ना तू, उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू। क्या है इसमें, मुझे आप मुझे बताएं क्या वल्गैरिटी है, आपको कहीं से भी वल्गैरिटी लगी फिल्म इंडस्ट्री में? इतनी फिल्में बनी है, मैं आपको 500 फिल्में दिखा दूं, इतने वाहियात डायलॉग्स है, इतने गंदे गंदे डायलॉग्स है कि फैमिली बैठ कर फिल्म नहीं देख सकती, इतने गंदे गंदे इशारे हैं, ऐसे 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 गंदे गंदे इशारे हैं फिल्मों में, ठोक दूंगा, कर दूंगा, डाल दूंगा। मेरा तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस। सेंसर बोर्ड क्यों टांग अड़ाई मुझे समझ में नहीं आई। पहले आप यूए सर्टिफिकेट देते हैं इसी डायलॉग को, और बाद में आप ए सर्टिफिकेट देते हैं, ये दोगला चेहरा क्यों सेंसर बोर्ड का? पहली बार हीरोइन बनी हूं तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई, ये दे रहा है दुरुस्त है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हो रही है तो ये सेंसर बोर्ड जो है उसमें टांग क्यों उड़ा रहा है मेरी फिल्म को रिलीज करने में, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है, डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतर कर इतना इतराती है ना तू, उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू। क्या है इसमें, मुझे आप मुझे बताएं क्या वल्गैरिटी है, आपको कहीं से भी वल्गैरिटी लगी फिल्म इंडस्ट्री में? इतनी फिल्में बनी है, मैं आपको 500 फिल्में दिखा दूं, इतने वाहियात डायलॉग्स है, इतने गंदे गंदे डायलॉग्स है कि फैमिली बैठ कर फिल्म नहीं देख सकती, इतने गंदे गंदे इशारे हैं, ऐसे 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 गंदे गंदे इशारे हैं फिल्मों में, ठोक दूंगा, कर दूंगा, डाल दूंगा। मेरा तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस। सेंसर बोर्ड क्यों टांग अड़ाई मुझे समझ में नहीं आई। पहले आप यूए सर्टिफिकेट देते हैं इसी डायलॉग को, और बाद में आप ए सर्टिफिकेट देते हैं, ये दोगला चेहरा क्यों सेंसर बोर्ड का? पहली बार हीरोइन बनी हूं तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई, ये दे रहा है दुरुस्त है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हो रही है तो ये सेंसर बोर्ड जो है उसमें टांग क्यों उड़ा रहा है मेरी फिल्म को रिलीज करने में, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है, डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतर कर इतना इतराती है ना तू, उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू। क्या है इसमें, मुझे आप मुझे बताएं क्या वल्गैरिटी है, आपको कहीं से भी वल्गैरिटी लगी फिल्म इंडस्ट्री में? इतनी फिल्में बनी है, मैं आपको 500 फिल्में दिखा दूं, इतने वाहियात डायलॉग्स है, इतने गंदे गंदे डायलॉग्स है कि फैमिली बैठ कर फिल्म नहीं देख सकती, इतने गंदे गंदे इशारे हैं, ऐसे 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 गंदे गंदे इशारे हैं फिल्मों में, ठोक दूंगा, कर दूंगा, डाल दूंगा। मेरा तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस। सेंसर बोर्ड क्यों टांग अड़ाई मुझे समझ में नहीं आई। पहले आप यूए सर्टिफिकेट देते हैं इसी डायलॉग को, और बाद में आप ए सर्टिफिकेट देते हैं, ये दोगला चेहरा क्यों सेंसर बोर्ड का? पहली बार हीरोइन बनी हूं तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई, ये दे रहा है दुरुस्त है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हो रही है तो ये सेंसर बोर्ड जो है उसमें टांग क्यों उड़ा रहा है मेरी फिल्म को रिलीज करने में, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है, डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतर कर इतना इतराती है ना तू,
उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू।